लेजेंडरी स्टार श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी मौत की खबर से जहां देश मायूस है, तो वहीं इस वक्त उनकी बेटी जानवी और खुशी पर क्या गुजर रही होगी, इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है। और अगर हम बात करें उनकी बड़ी बेटी जानवी कपूर की, तो वो अपनी माँ श्रीदेवी के काफी करीब थी। लेकिन जब श्रीदेवी की मौत हुई तो जानवी उनके आस पास भी नहीं थी। अपनी माँ से हजारों किलोमीटर दूर मुंबई में श्रीदेवी की बड़ी बेटी उस वक्त अपने डेब्यू फिल्म के लिए शूट कर रही थी। कहा जा रहा है कि जैसे ही जानवी को उनकी माँ की मौत की खबर मिली, तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और सेट पर ही कोलैप्स कर गई। असिस्टेंट्स और को एक्टर्स ने जानवी को सहारा दिया और उन्हें संभालने की कोशिश की, और इस दरमियान एक्ट्रेस शालिनी कपूर बनी जानवी की नई माँ। जी हाँ, टेली एक्ट्रेस शालिनी कपूर फिलहाल जानवी के साथ उनकी अपकमिंग फिल्म के लिए शूट कर रही हैं। इस फिल्म में शालिनी कपूर ही जानवी की माँ का रोल प्ले कर रही हैं। हाल ही में दिए एक स्टेटमेंट में शालिनी कपूर ने जानवी के प्रति अपनी चिंता जाहिर की है और कहा है, मैं श्रीदेवी की आकस्मिक मौत की खबर सुनकर काफी शॉक्ड हूँ। वो एक शानदार परफॉर्मेंस के लिए हमेशा जानी जाएंगी। अब मुझे उनकी दोनों बेटियों की काफी चिंता सता रही है। शालिनी अब जानवी के अकेलेपन को लेकर काफी परेशान है। भले ही वो जानवी की ऑन स्क्रीन माँ हो, लेकिन दरअसल दोनों के बीच अब एक ऐसी केमिस्ट्री बन चुकी है फिल्म के दौरान कि शालिनी ने अब एक माँ के तौर पर जानवी की चिंता करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि शालिनी कपूर ने पहले भी टीवी पर ममतामयी माँ के कई रोल प्ले किए हैं। शालिनी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि जानवी की माँ का रोल निभाने के दौरान उन्हें श्रीदेवी और जानवी के प्यार भरे रिश्ते के बारे में भी काफी बातें पता चली। शालिनी ने बताया है कि जानवी और श्रीदेवी के बीच के रिश्ते को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और अब जब फिल्म धड़क पर्दे पर रिलीज होगी, तो शालिनी कपूर ही आपको जानवी की मां के तौर पर पर्दे पर नजर आएंगी। और जब जानवी अपने आप को पर्दे पर देखेंगी, तो एक मां की कमी उनकी आंखों में आंसू जरूर ले आएगी। अब शालिनी के इस स्टेटमेंट पर आप अगर कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय जरूर दे सकते हैं।